सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले यार सॉरी यार, क्योंकि बहुत ही दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यही प्रॉब्लम था कि मेरे पास जो मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस था तो गाइस वो मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। तो गाइस इसीलिए उसका सेंसर तो उड़ गया था, इसीलिए मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है। तो गाइस चलो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैंने वीडियो को भी फास्ट कर दिया है। एंड गाइस इसका बॉक्स तो यार बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कैसा मेरा लुक लग नज़र आता है ये माउस एंड कीबोर्ड का। तो गाइस चलो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसका सारी टेपिंग्स को उखाड़ दिया है। एंड गाइस अंदर की तरफ देखो तो यहाँ पे मुझे एक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि फोम से सेफ किया जाता है। तो गाइस चलो यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड को निकालता हूँ बाहर, क्योंकि यार अगर मेरा वो जो मैकेनिकल है माउस एंड कीबोर्ड था, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता उस पर और वो ख़राब नहीं होता तो गाइस मैं इसे परचेस नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं गेमिंग ही माउस एंड कीबोर्ड को परचेस करूँ, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे एंड आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी मिल जाए। तो गाइस यहाँ से मैंने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक मैनुअल कार्ड है। तो गाइस इसको कोई भी नहीं पढ़ता, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। एंड गाइस इसका ये ज़ेब्रोनिक का ये कुछ डिटेल्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो गाइस इसको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, एंड वो भी ज़रूरी नहीं था, इसको भी मैं साइड में रखूंगा। ओके तो गाइस यही है फोम है जिसे ये सेफली पैकेज किया जाता है। तो गाइस इन सभी को साइड में रखते हुए मैं आप लोगों को आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक माउस नज़र आ जाएगा मिलने को। तो गाइस अरे कहना क्या चाहते हो? इस माउस का यार बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर ही किया, क्योंकि यार मतलब देखो इसमें 6 बटन्स है, अगर ये 6 बटन इसमें वर्किंग किया तो गाइज इसमें गेम्स में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि 6 बटन मेरे माउस में ही मिल जाएंगे। तो गाइज चलो इसको साइड में रखते हुए सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड को आगे लाता हूँ। एंड गाइज इसका की प्रेस साउंड भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। एंड गाइज आप लोग सबसे पहले तो इसका लुक लाइक देखो यार कितना ज़्यादा मस्त है। एंड गाइज की प्रेसिंग देखा यार, मतलब की प्रेसिंग भी इतना ज़्यादा हार्ड था, कुछ कहने का लाइक नहीं। एंड गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरिंग भी बहुत तगड़ा है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये साइड में 2 बटन देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस ये की मैपिंग सिर्फ हो जाए बस यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस चलो अब अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब मेरा एंड्रॉयड डिवाइस आ गया, वो भी मेरा सैमसंग J2 का। तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं OTG को कनेक्ट करता हूँ। एंड OTG कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा अपने कीबोर्ड को इसमें कनेक्ट करूँगा। एंड गाइस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये इसमें वर्क करता है या नहीं करता है। तो गाइस वाओ यार, फाइनली इसमें वर्किंग किया। तो गाइस इसमें कीबोर्ड वर्क किया, यानी कि माउस भी करेगा ही करेगा, बट पता नहीं यार आगे का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें RGB की लाइटिंग है। तो गाइस इसमें RGB की लाइटिंग आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसमें PC एंड लैपटॉप्स में ही ये वर्क करता है। बट मैंने इसके रिव्यू में पहले देखा था कि ये वर्किंग है या नहीं है, और मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था उस पर कि इसमें OTG के कनेक्शन के बाद ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे येस पे आंसर आया, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया। तो गाइस यहाँ पे इसके नमलॉक भी आ गए। एंड गाइस यहाँ से मैं अभी इसको कुछ टाइपिंग भी कर लेता हूँ। तो गाइस ये इसमें वर्किंग है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत और भी टाइपिंग आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली इसमें पूरा प्रॉपर वर्किंग है। तो गाइस अब मैं माउस को भी इसमें कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये माउस भी यहाँ पे कनेक्टेड है, बट मैं बहुत ही देर से मैं इसमें ये एक प्रयास कर रहा हूँ कि ये कोई भी की प्रेस हो, बट ये इसमें वर्क ही नहीं कर रहा है। लग रहा है कि इसका जो RGB लाइटिंग है इसी की वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं DPI को स्विच को लॉन्ग प्रेस करके इसकी RGB लाइट को ऑफ कर देता हूँ। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे ये वाओ, तो गाइस ये वर्क करने लगा फाइनली, बट ये लाइटिंग की वजह से ये हो रहा था। तो गाइस चलो अब मैं फाइनली यहाँ से अब मैं माउस कीबोर्ड दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस यार ये कितना ज़्यादा बहुत हार्ड है यार, बहुत मस्त ये लग रहा है, मतलब कि दोनों कनेक्ट होकर कितना ज़्यादा तगड़ा लुक आ रहा है। एंड गाइस दोनों ये रियली कनेक्टेड है और ये इसमें वर्क करेगा एंड्रॉयड डिवाइसेस में। ओके तो गाइस यहाँ से मैं इसको लॉक को ओपन कर दिया। एंड गाइस इसकी को मैं डेली रेगुलर वीडियोज़ के लिए यूज़ किया करूँगा। एंड गाइस आज से मैं आप लोगों को डेली का एक नया नया कंटेंट दूंगा। तो गाइस चल झूठा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलो यहाँ से सबसे पहले तो देखो ये माउस भी अब प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो भी RGB लाइटिंग के साथ। तो गाइस अब ये और ज़्यादा अच्छी बात है। एंड गाइस इसकी जो कीज़ है, जो 6 कीज़ है, तो गाइस ये सिर्फ की मैप हो जाए तो और भी ज़्यादा मस्त रहेगा। एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है। तो गाइस जो साइड में 2 बटन दिए गए हैं, तो गाइस अगर ये की मैप हो जाए गेमिंग्स में, या फ्री फायर हो या PUBG हो, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। एंड गाइस यहाँ से अभी मुझे एक और कमेंट आया था, वो भी माउस एंड कीबोर्ड के साथ वाला। तो गाइस उसमें एक साथ टाइपिंग नहीं हो रहा था। तो गाइस
वो भी मैं आप लोगों को इसी में दिखा देता हूँ। एंड गाइस उसके बाद मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मुझे 1300 की मिली थी। तो गाइस आप लोग भी अगर परचेस करना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। तो गाइस यहां से देखो मैं माउस को भी मूव किया और साथ में ही टाइपिंग भी किया, तो गाइस ये अमेजिंग वर्क किया। तो गाइस चलो आई होप ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोज आने वाले हैं। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।